अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने फ्रूट्स नाउन, वेजिटेबल्स नाउन, एनिमल्स नाउन, कलर्स नाउन और सिटीज नाउन किए थे। तो चलें अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज की डेट डालेंगे, क्लासवर्क मेंशन करेंगे, फिर अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। Use one of the nouns to complete the following sentences. अब यहाँ आपको कुछ noun दिए हुए, अब आपने क्या करना है, इन noun को use करते हुए इन sentences को fill करना है। अब जैसे इसमें first noun क्या है, apple, playground, crayon, paper, car, shoes, student, chair and story. अब इन nouns को देखते हुए आपने इन sentences को fill करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द डैश इज गुड इन मैथ। अब कौन है मैथ में अच्छा, अब इनमें देखें अब कौन अच्छा होगा। अब इसमें अगर हम देखें एप्पल, प्लेग्राउंड, क्रेयॉन, शूज, कार, पेपर, स्टूडेंट, चेयर, स्टोरी, तो कौन अच्छा है मैथ में? मैथ में स्टूडेंट अच्छा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज गुड इन मैथ। अब सेकंड क्या है, आई हैव एन डैश फॉर लंच। अब लंच के लिए क्या है मेरे पास, एप्पल, प्लेग्राउंड, क्रेयॉन, शूज, स्टोरी, कार, चेयर, पेपर, स्टूडेंट, क्या है मेरे पास, क्या है, एप्पल है लंच के लिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, आई हैव एन एप्पल। किसके लिए एप्पल? लंच के लिए। अब थर्ड सेंटेंस क्या है, ही ड्राइव्स अ ब्लू डैश। अब उसने ब्लू क्या ड्राइव की, क्या चलाई ब्लू? अब देखें एप्पल, प्लेग्राउंड, क्रेयॉन, शूज, कार, पेपर, स्टूडेंट, चेयर, स्टोरी, क्या एप्पल चलाया या प्लेग्राउंड चलाया, क्या चलाया उसने, उसने कार चलाई। तो हमने यहाँ क्या लिखा, कार। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्या है, आई नीड डैश फॉर माई आर्ट प्रोजेक्ट। अब आर्ट प्रोजेक्ट मीन्स कोई ड्राइंग का प्रोजेक्ट है, अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए या क्रेयॉन चाहिए, शूज चाहिए, स्टोरी, चेयर, कार, पेपर, स्टूडेंट, क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, क्रेयॉन चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेयॉन। ठीक है, फिफ्थ क्या है, द डैश एंड डैश इज न्यू। द डैश एंड डेस्क इज न्यू। डैश और डेस्क, टेबल क्या है, नई। अब टेबल के साथ क्या आएगा, एप्पल, प्लेग्राउंड, क्रेयॉन, पेपर, कार, शूज, स्टूडेंट, चेयर, स्टोरी, क्या आएगा, चेयर। तो हमने यहाँ क्या लिखा, चेयर, सही। अब नेक्स्ट क्या है, द डैश हैज़ अ न्यू स्लाइड। अब कहाँ न्यू स्लाइड आई, एप्पल में, प्लेग्राउंड में, क्रेयॉन में, पेपर में, कार में, शूज में, स्टूडेंट में, चेयर में, स्टोरी में, कहाँ आई न्यू स्लाइड, प्लेग्राउंड में। तो हमने यहाँ क्या लिखा, प्लेग्राउंड, सही। अब लास्ट क्या है हमारे पास, आई हैव अ पेयर ऑफ न्यू डैश। मेरे पास नए डैश का पेयर है, वो क्या, किस चीज़ का पेयर है, एप्पल का, प्लेग्राउंड का, क्रेयॉन का, पेपर का, कार का, शूज़ का, स्टूडेंट का, चेयर का, स्टोरी का, किसका मेरे पास पेयर है, मेरे पास शूज़ का न्यू पेयर है। तो अब मैंने क्या लिखा, शूज़। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या किया, हमने इन सेंटेंस में नाउन को फिल किया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपने आगे का काम करते हैं। ठीक है बेटा।